जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी आप लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? चलें। अच्छा जी, सबसे पहले ना थोड़ा सा बता दूं, तारफ है इसका, मतलब है कि वन पेपर का जो हम लोग तैयारी करते हैं उसके हवाले से बता दूं कि तरीकाकार क्या है जी तैयारी करने का, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं जो बीच में शामिल भी होंगे, तो हमारा पैटर्न जो है वो किस तरह है जी, एकेडमी का स्टडी रिवर जो काम करवा रही है जी वो किस तरह है जी। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो हमारा जो पैटर्न है हम सब्जेक्टिव वे में ना ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा जितनी भी अकेडमीज है ना वो एमसीक्यू तैयारी करवाती हैं, मतलब है कि उससे बचत क्या आती है जी, एमसीक्यू तैयारी करने से ना सिलेबस जल्दी कवर वो करते हैं, मतलब है कि चीजें कुछ सवाल, अब आप देखिएगा रिटर्न फॉर्म में कुछ नोट्स दे दिए जाते हैं जिसमें से 500 1000 2000 एमसीक्यू बना के वो लोगों कहते हैं जी यही सिलेबस है और यही आना है, उससे नुकसान ये हो जाता है स्टूडेंट का कि जब डीपली पेपर आता है मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पे वो कवर नहीं कर पाते तो उनका पेपर निकलता नहीं। लेकिन हमारा इस अंदाज में तरीकाकार है कि एक पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, जो भी करेंगे एक पूरी स्टोरी के अंदर होगा, पूरा टॉपिक होगा, जैसे कि आप देखें ना कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी है तो उनका एक आधा या दो या 10 क्वेश्चन करवा देने से वो कवर नहीं होती, उनकी पूरी लाइफ जो है
जब वो पैदा हुए थे और उनके जो जो काम है वो, और जब उनका मतलब इस दुनिया से इंतकाल हुआ, एंड तक पूरी एक ही जगह पे एक ही टॉपिक में ये पूरी स्टोरी आए। इसी तरह आप देखें कि अगर हम किसी कंट्री की हिस्ट्री करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो पूरा उस कंट्री की हर चीज, जो मेन मेन सारी चीजें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, हम कंट्री वाइज जो है वो आपको करवाएंगे हिस्ट्री। तो एक एक कंट्री की हिस्ट्री जो है वो सब मतलब है कि वो एक ही पेज पे आ जाए। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि फिजिकल मैप जो है, फिजिकल मैप आप याद रखिएगा कि हम ना लोग कुछ याद कर लेते हैं, कुछ रिवर्स याद कर लिए, कोई डेजर्ट याद कर लिए, या कोई स्ट्रेट याद कर ली अलग अलग से, तो उससे नुकसान मतलब है कि पूरी ग्रिप नहीं आती। अगर पूरी दुनिया का मैप बनाया जाए, यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज अमेरिका है तो अमेरिका का अलग से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का अलग से मैप हो, अफ्रीका का अलग से मैप हो, उसके बाद एशिया का अलग से मैप हो, इसी तरह यूरोप का पूरा मैप अलग बनाया जाए, और हर जगह पे हर हर चीज, यानी रिवर, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, स्ट्रेट, गल्फ, माउंटेन्स, हर चीज मतलब उस मैप के ऊपर डिस्कस कर दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा फिर, उससे इजीली जहां से भी पूछेगा तो वो उस चीज को कवर कर जाएगा। ये एक हमारा पैटर्न है बेसिकली जीके पढ़ाने का, कि जिसमें पहले हम पॉलिटिकल मैप पढ़ाएंगे। पॉलिटिकल मैप में पूरी दुनिया के कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, वो चीजें आ जाती हैं। फिजिकल मैप में रिवर, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, स्ट्रेट्स, गल्फ, पोर्ट्स, वो सारी चीजें हम इसमें मतलब है कि डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री होती है जी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री उन्हीं ममालिक का जिनका आपने मैप पढ़ा, उन्हीं की हम जो है वो कंट्री वाइज हिस्ट्री करेंगे। इसके साथ फिर आता है कि पाक अफेयर है जी। पाक अफेयर जो है, आवाज साफ नहीं आ रही जी, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है जी? जी क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये देखिएगा कि पाक अफेयर्स है जी, आप याद रखें कि पाक अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री आपने याद रखना है कि ये चीजें होती हैं, कि लोग ना इसमें एमसीक्यूज तैयारी करते हैं, कुछ सवाल कर लिए, मेन मेन डेट्स याद कर ली, तो वो जब पेपर आजकल आपको होता है थोड़ा सा टफ आ रहा है, डीपली आ रहा है चीजें, तो इस वजह से स्टोरी में, यानी कि आप देखें कि इंडस सिविलाइजेशन से लेके से टिल जो है इमरान खान तक, यानी कि पाक अफेयर के आगे 1947 से लेके 2022 तक का दौर एक स्टोरी में आए, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स, और वो पीछे बैकग्राउंड मिसाल है कि आप ये देखें ना कि वो कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसने दी थी, तो हमारा सिर्फ इतना ही कंसर्न होता है कि ये लॉर्ड डेलोजी ने दी है, लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि ये किस चीज के बारे में है, ये आई कब थी, तो पूरी स्टोरी आनी चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये 1848 में आई थी और इसको लॉर्ड डेलोजी ने दिया था, ये लैपालक बच्चों के बारे में लॉ बनाया गया था कि गोद लिया हुआ बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता जी, तो मतलब उसको मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो मतलब एक पूरी स्टोरी है। कल आप इंटरव्यू के अंदर भी जाएंगे ना तो वहां पे भी ये आपको फायदा देगी, तो इस तरह की चीजें जी। इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री जो है, इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामियात जो है उसका बड़ा जोर है जी, आप याद रखिएगा कि उसको भी डीपली जाके, यानी कि अंबिया से शुरू करके फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, फिर खुलाफा का दौर, और उसके साथ आप याद रखिएगा कि बनू उमैया, फिर बनू अब्बास, ये सारा मतलब है कि सिलसिला जो है आप याद रखिएगा कि उनको करने के बाद फिर डीपली इस्लाम याद, इस्लाम याद के ऊपर जो है वो डीपली जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें नमाज, रोजा, जकात, हज, सोशल लाइफ, ठीक है जी, डावर क्या होता है, डाइवोर्स क्या है, ईला क्या है, ज़ियार क्या है,
इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। फिर आपने याद रखिएगा कि जो सिलसिलाज हैं यानी कि नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया, इसी तरह अवैसिया, उनके बारे में भी आ सकता है, फुकहा के बारे में आ सकता है, जैसे कि जो इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम जाफर सादक है, उनकी जिंदगियों के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये एक पैटर्न है जीके का ना, और इसी तरीके से आप अच्छी ग्रिप कर सकते हैं कि एक चीज को पढ़ें और उसको पढ़ते जाएं, उसके अंदर 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 अंदर, तब जाके चीजें कवर होगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, ये क्वेश्चन है बस उसी को पढ़ लेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आप देखिए ना कि जो हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं उसको भी पढ़ने का तरीका कार है। अगर आप देखिएगा कि एमसीक्यूज जो है तैयारी हम करते हैं तो पास पेपर को आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आप देखिए कि अगर एक सवाल आपने पढ़ा कि बल्ब जो है वो किसने बनाया, हमने फौरी तौर पर लिख देते हैं एडिसन। हमें एक तो एडिसन की जिंदगी को पढ़ना है जी, ठीक है जी, और इसके साथ मतलब उसकी और जो इन्वेंशन है उनको भी पढ़ना है, और उसके साथ जो तीन ऑप्शन और आई है, मिसाल है एरिस्टोटल का दिया गया है, न्यूटन का दिया गया है, डार्विन का दिया गया है, उनकी जिंदगियों को भी हमने डीपली जाके पढ़ना है। तो एक चीज को ही उसको आगे सीक्वेंस वाइज आप चलाएंगे तो फिर जाके ये चीजें कवर होंगी। क्या आप दोस्त इस चीज से एग्री करते हैं कि इस पैटर्न पे जो है वो तैयारी हो सकती है जी बेहतर तरीके से? कमेंट कीजिएगा जी, अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये चीज इस तरीके से तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। क्योंकि डीपली मेरा जो जानना है कि डीपली जितना आप पढ़ेंगे उतना आप मतलब है कि इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों का ये कंसर्न होता है कि पीपीएससी की मैंने तैयारी करनी, कुछ लोग कहते हैं मैंने पीपीएससी की तैयारी करनी है या फलां पोस्ट की तैयारी करनी है, कुछ कहते हैं जी हमने एफपीएससी की तैयारी करनी है और फलां पोस्ट है, जैसे कि आईबी आ जाता है, एफआईए आ जाता है, ठीक है ना जी। मेरे भाई आप सब लोगों को ओपनली मैं बता दूं तो आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ना सिंपल है कि तैयारी दोनों की एक है, सिलेबस दोनों का एक है। हमारे यहाँ सिर्फ ना ये एक सोच डेवलप की जाती है कि जो है ना मतलब है कि ये तैयारी जो है ना फला लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट इज किस किसकी एनरोलमेंट है जी, कौन सी डेट किस चीज की एनरोलमेंट है? फिफ्थ अप्रैल तो गुजर गया ना जी, अगर है तो फिफ्थ मई होगी ना जी, अभी चल रही है। तो वन पेपर एमसीक्यू की आप याद रखिएगा कि एनरोलमेंट, अच्छा, तो ये देखे ना कि फिफ्थ अप्रैल तो गुजर गया ना, अब फिफ्थ मई आगे आएगा ना, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आप जो है जो दोस्त करना चाहेंगे ना तो वो आप ही से स्टार्ट कर देंगे रमजान के अंदर से ही। क्योंकि मेरे भाई पता क्या होता है कि आप लोग जो है ये 2 से 2.5 माह का कोर्स होता है जी, कोशिश होती है कि हम ना A to Z जो है आप याद रखिएगा कि 2 महीने तकरीबन जो है ना 15 दिन तक, 15 का ये मतलब है कि होता है इस जी, ये पीएमएस को भी कवर करेगा, पीपीएससी को भी कवर करेगा, एफपीएससी को भी कवर करेगा। ये आप याद रखिएगा कि A to Z इंशाल्लाह जो है ना ये आपको मतलब है कि, और मैं ओपनली कहता हूँ कि हमारा ये नहीं है, आप देखे ना सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इंग्लिश आपने पढ़नी पढ़नी है। अगर आप देखें कि इंग्लिश का कोर्स आप एक दफा अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो वो चाहे पीपीएससी में आए ठीक है जी, या वो एफपीएससी में आए ठीक है जी, उसमें आपको मसला नहीं आएगा। इसी तरह मैथ आपने पढ़ना है जी तो ये भी दोनों में कवर करेगा, इसी तरह एवरीडे साइंस। या आप ये देखिएगा कि सेशन जो होता है इसमें डबल क्लासेस चलती है ना जी, जीके चलता रहेगा 2.5 महीने और साथ साथ आपकी इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और एवरीडे साइंस जो है ना ये साथ साथ क्लासेस होंगी। तो इस वजह से पैरेलल चलेगा ना, 2.5 माह आपका अगर सिर्फ जीके चलता है और साथ ये 4 पोर्शन जो है आपके ये अलग से
कवर होते हैं। तो वो जी आप याद रखिएगा कि 6 क्लासेस होती हैं जी। समझ आ गई जी। आप याद रखें कि आपकी ना जो है कि मतलब है कि 6 दिन एक वीक में क्लास हुआ करें, ठीक है ना जी। सिर्फ संडे वाले दिन छुट्टी होती है, और पूरी एफर्ट होती है कि हमारा जो स्टूडेंट है अल्लाह की जात मेहरबानी करे और उसको मतलब है कि अल्लाह की जात इज्जत दे और वो एलोकेट हो। और कोशिश ये बाकी किसी एकेडमी में नहीं है। लोग क्या करते हैं 15 से 20 लेक्चर दे के वो कहते हैं जी सेशन ऑफ हो गया। हमारे 15 15 लेक्चर एक पोर्शन पे चल जाते हैं और हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट चलते हैं जी। ये लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं हो मिलेगा जी। ए टू जेड आप क्लास के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आपको ऐड किया जाएगा उसमें आप कम्युनिकेट करेंगे, आपका कोई इशू होगा उसको हल किया जाएगा जी। ये क्लासेस तो इंशाल्लाह जो है कि आज सेमिनार है तो आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है कि ये सेशन जो है वो चल जाएगा जी। क्योंकि मकसद है कि ये जैसे ही लोग मतलब है कि साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन पहले भी चल रही है, लोग मतलब है कि ऐड हो रहे हैं और जैसे ही दोस्त मतलब वाकई भी आते हैं तो उनको हम लेके जी। आप याद रखिएगा कि बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं जो 30 से 35 हज़ार भी फीस ले रही है, लेकिन वजह ये होती है यहाँ पे हमारा आप इन देखें फैकल्टी का देखें कि जो मियाँ शफीक साहब हैं, मियाँ शफीक साहब जो है ना ये आप देखें कि वो CSP हैं और वो एवरेज साइंस पढ़ाएंगे। साबर साहब हैं हमारे पास MPhil हैं मैथ के, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे। इसी तरह PMS ऑफिसर हैं गुलाम हुसैन साहब, वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। और सरफराज साहब हैं जो हमारी एकेडमी सारी की मतलब वेब डिजाइनिंग और टीम कंप्यूटर टीम है उसके हेड हैं, वो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। और GK ओवरऑल जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ये टीम का भी बड़ा फर्क होता है। आप मेरे भाई फर्क ये देखे ना कि अगर कोई बंदा आपसे 8 से 10 हज़ार फीस ले रहा है लेकिन आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं करवा रहा तो उस 10 हज़ार का आपको फायदा भी क्या होगा ना जी। जी यहाँ पे ना आप याद रखिएगा कि टोटल कोर्स की फीस जो है ना ऑनलाइन 20 है और जो है जो ऑन ग्राउंड है वो 22 है। समझ आ गई जी। अब आप खुद देखें कि 2.5 माह अगर आप पढ़ते हैं 20,000 फीस है, ठीक है जी। जी करंट अफेयर जो है वो डेली की डेली आपके ग्रुप के अंदर जो है ना शेयर किया जाएगा, जो भी मतलब अखबार वगैरह चीजों से लेंगे। तो आप ये देखिएगा ये सारे जो GK पढ़ना है तो वो भी आप कोऑर्डिनेटर जो है ना उसका नंबर ये बार बार वो शेयर कर रहा है जी। आप उससे ना सारी इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है आप मुझसे पढ़ाने के बारे में पूछ लें, बाकी सारी जो चीजें हैं ना वो आपको कोऑर्डिनेटर बता देगा जी। GK की क्लास जो है ना 2 घंटे की हुआ करेगी जी, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी और उसमें वीकली जो है वो टेस्ट भी होते हैं। और हम साथ साथ ये भी करते हैं कि क्लास के दौरान जो है सुन लेते हैं चीजें ना, मतलब है कि जो क्लास पढ़ाएंगे उसी के दौरान डिस्कशन में चीजें पूछते जाते हैं, जो कल पढ़ाया था वो भी होता है और वीकली टेस्ट भी लेंगे इंशाल्लाह। समझ आ गई जी। जी GK का इंशाल्लाह इस्लामियात के इस्लामिक हिस्ट्री के आपको डिटेल लेक्चर अपना वो मिल जाएगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे क्योंकि उसकी ना बुक बुक फॉर्म में मटेरियल तैयार किया है। बाकी जितना मटेरियल होगा वो आपको लेक्चर में ही लेना पड़ेगा। लेक्चर आप लेंगे A to Z ऐसे जैसे आपको नजर आ रहा है, एक एक चीज आपको जो ऑनलाइन दोस्त है उनको इसी तरह नजर आएगा जी। कोर्स कंटेंट आपके सिंपल आपको बताया पहले कि सबसे पहले जी मेरे भाई आप देखिएगा कि अभी तो जो टाइमिंग चल रही है ना वो सुबह 5 बजे की है, सहरी के टाइम है रमजान में, लेकिन जब आप रमजान के बाद ईद के बाद होगी तो उसमें 3 टाइमिंग होंगी। सुबह आप देखें कि सुबह 10 से लेके 12 बजे तक एक क्लास होती है मॉर्निंग में, और फिर जो है ना शाम को 4 से लेके 6 बजे तक दूसरी क्लास होती है जी, फिर तीसरी क्लास रात को 8 बजे होती है। तो जो दोस्त जिस टाइमिंग में वो कहेगा उस टाइमिंग में हम उसको ऐड कर देंगे, यानी 3 सेशन रखे हुए हैं ताकि किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसको हर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट जो है वो कर सके अपने आप को ना जी। इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी तो आपको होता है 5 बजे सुबह जो है वो
जी आवाज आ रही है जी आप लोगों को? आवाज आ रही है जी? चलें जी। अच्छा जी, चले आप याद रखें कि अभी सहरी का टाइम चल रहा है जी, तो अभी आपको होता है अभी तो सारे बंदों के लिए फिजिबल है कि वो इजीली सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास ले सकते हैं ना जी। हाँ, तो जो रमजान के बाद ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ये 3 टाइमिंग है। इसमें टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि ये 9 से 11 हो जाए, क्योंकि तो अभी आगे गर्मी आ रही है, तो मतलब है कि 9 से 11, बाकी टाइमिंग यही रहेगी जी जो ऑलरेडी है ना जी, 4 से 6 और 8 से आगे वो 10 बजे तक, तो ये टाइमिंग जो है वो चलेगी। लेकिन जो अभी आजकल चल रही है वो सुबह 5 से लेके 7 बजे तक जी। एक दिन में सिर्फ जीके की क्लास जो है ना वो 2 घंटे की होगी, और उसके साथ जो है कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो आपकी बाकी क्लासेस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर जो है वो चलेंगी, और वो रात को इवनिंग में होंगी जी, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह सब को दोस्तों को मिला के चलेंगे जी, वो कोई टेंशन नहीं है, A to Z जो है। बुक्स इस तरह हम जो है कि वो इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे आपको, नोट्स होंगे अभी नोट्स की फॉर्म में है वो आप लोगों को देंगे जी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह A to Z जो है ना, वो जो वन पेपर के रेलिवेंट है, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है अपना गुलाम हुसैन साहब, वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, तो वो उसका कोई इशू नहीं आएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, अभी ना मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा जो है कि वो एक टॉपिक जो है वो करवाऊंगा जी, कि एक मैप बना के छोटी थोड़ी सी जी। मेरे भाई आपको बताया कि टोटल कोर्स की फीस जो है ना वो 20 है, ऑनलाइन वालों के लिए 22 है, ऑन ग्राउंड वालों के लिए, तो वो आप इजीली जो है वो जी मैथमेटिक्स इंग्लिश कंप्यूटर एवरीडे साइंस उसके साथ मैं टोटल लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए जी। अब याद है कि सिलेबस में क्या होता है, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा जी, एवरीडे साइंस, उसके साथ आपका कंप्यूटर, फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि पॉलिटिकल मैप आएगा जी, पूरी दुनिया के कंट्रीज कैपिटल आ जाएंगे जी। फिजिकल मैप आएगा जिसमें रिवर माउंटेन्स आ जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी जी, उसके साथ आप याद रखिएगा कि इस्लामिक स्टडी और साथ हिस्ट्री, और इसी तरह पाक अफेयर, तो इसके साथ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है, और इसके साथ आप याद रखिएगा कि उर्दू और करंट अफेयर्स, ये सारा सिलेबस होता है जी वन पेपर का, तो ये इंशाल्लाह कवर होगा। समझ आ गई जी? अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा जी, छोटा सा टॉपिक है जी ये, जी मेरे भाई टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पोर्शन वाइज हर हर पोर्शन को अलग अलग से पढ़ाया जाएगा जी। ये ना इंस्टॉलमेंट का आपको ना कोऑर्डिनेटर बताएगा जी, क्योंकि ना ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि उसमें मतलब है कि इंस्टॉलमेंट का ना वो करेगा क्या, वो आपको कोऑर्डिनेटर का इधर नंबर आ रहा है, आप उसके साथ ना रब्ता कर लीजिएगा जी। बाकी आप ना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हम पढ़ाते हैं कैसे जी। रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी जी, रिकॉर्डिंग पहले बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी हर चीज इधर एक एक लफ्ज को आप बार बार जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको ना एक छोटा सा मैप बना के तो चंद चीजें जो है वो करवाऊंगा जी। ये सेमिनार तो हमारा फ्री होता है ना जी, इसके लिए तो कोई पेमेंट नहीं है। समझ आ गई जी? अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि एक ना टॉपिक छोटा सा आपको, जस्ट आपको एक हिंट देना है कि जी
मतलब एक इजीली थोड़े टाइम में आप किस तरह चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं जी। ये कंट्री है जी, आपने नाम सुना होगा इराक का जी। ये एक मुल्क है जी इराक, ये सारा जो है ना ये आप याद रखिएगा कि मुल्क है जी इराक। इराक के अंदर अगर आप देखें तो इसके बॉर्डर एरियाज पे देखें तो यहाँ पे एक मुल्क आता है, उसका नाम क्या है जी, कुवैत है जी। ये वाला जो एरिया है ये कुवैत का है जी। कुवैत के साथ ये जो है आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा मुल्क लगता है जी, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के साथ आपने याद रखिएगा कि इस जगह पे इसको लगता है जॉर्डन। जॉर्डन के साथ यहाँ पे इसको सीरिया लगता है जी। और यहाँ ऊपर से आप याद रखिएगा जी टर्की है जी। टर्की, और इधर से क्या है जी, ईरान है जी। आज कुछ भी नहीं है मेरे भाई, फ्री होता है। किसने आपको कहा है कि सेमिनार फ्री होता है जी? अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ईरान, ठीक है ना जी। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये मतलब है कि पूरा इसका बॉर्डर एरिया है जी इराक का। अब कल पूछ लेता है कि इराक के साथ किस मुल्क का बॉर्डर आता है, तो अब आपको नजर आ गया कि यहां से कुवैत लगता है, यहां से ईरान लगता है जी। मेरे भाई आपको बार बार इधर वो ऐड दिया जा रहा है, मेरे भाई ऑनलाइन 20 है और ऑन ग्राउंड 22 है फीस ना। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि ईरान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये बॉर्डर एरिया है जी इराक का ना। तो आप इजीली देख सकते हैं, इसमें जो इसका कैपिटल है वो आपको नजर आना चाहिए, वो क्या है जी, बगदाद है जी, बगदाद। आपको पता है कि इराक को क्या बोलते हैं जी, मेसोपोटामिया। ओल्ड सिविलाइजेशन है जी दुनिया की, मतलब है कि ये 3500 BC में स्टार्ट हुई थी। इराक का पुराना नाम जो है ये मेसोपोटामिया है जी, 1920 में इसका नाम पड़ा था इराक। तो इसके कैपिटल को बोलती है सिटी ऑफ पीस, सिटी ऑफ पीस, अमन का शहर। मेरे भाई आज आपको क्या समझाएं, जानबूझ के आप कर रहे हैं। मैंने कहा है कि आज क्लास की कोई फीस नहीं होती, सेमिनार फ्री होता है। हाँ आप कोर्स लेंगे तो उसकी फीस होगी, उसके लिए वो 2.5 महीने का कोर्स होता है, उसकी फीस ये 22 है। बार बार एक ही चीज आप किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप ये देखिएगा जी कि इराक जो है उसमें दो रिवर बड़े मशहूर हैं जी। एक रिवर जो है वो सीरिया वाली साइड से आता है, आते दोनों टर्की से हैं लेकिन एक सीरिया वाली साइड से और एक डायरेक्ट टर्की से आता है। आप याद रखिएगा कि एक दोनों रिवर जो है ना, ये टर्की के अंदर एक पहाड़ है अरारत माउंटेन, उस अरारत माउंटेन से ये निकलते हैं। आप याद रखिएगा जूती पहाड़ बोलते हैं जी, जूती पहाड़। यहां पे समझ लें कि ये टर्की के अंदर अरारत माउंटेन है जी, माउंटेन जूती पहाड़, कोई जूती जिसे हम बोलते हैं ना जी, वो पहाड़ है जी यहाँ पे। तो उसमें से दो रिवर निकले थे, फिर भाई ये सारी चीजें ना आपको ये कोऑर्डिनेटर का जो नंबर आ रहा है ना, बार बार इसको आप उसमें करेंगे ना तो आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है ये आप देखें ना, ये ऐड आया है ना अपना, उसका मतलब सारा। तो इसमें आप इस कोऑर्डिनेटर का नंबर है ये लिखा हुआ, तो इसको आप मतलब कॉल कर लीजिएगा,
आपको सारी डिटेल इसके इंस्टॉलमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में बता देगा। अच्छा जी, अब याद रखिएगा, यहाँ पे जस्ट ना थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, लेकिन ना ये सारी चीजें समझा दूं आपको कि ये एक रिवर जो है ना, इसका नाम आपने याद रखना है यूफ्रेट है। यूफ्रेट, इसको दरियाए फरात भी बोलते हैं जी। इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जी ओवरऑल वन पेपर की टोटल जो सब्जेक्ट्स है ना, मैंने आपको बताया है कि मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री, सारे की जो फीस है ना ये है। ओवरऑल पूरा वन पेपर, चाहे बीपीएससी हो चाहे एपीएससी हो। यार समझ नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है आवाज, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना जी सब लोगों को? चलें जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा ये यूफ्रेट रिवर है, इसके ऊपर यहाँ पे एक शहर आता है करबला, इसके बाद आप याद रखिएगा ये नीचे आता है कूफा, और फिर यहाँ पे आता है नजफ। उसके बाद आप याद रखें कि मूसल जो है ना जी, मूसल शहर आता है, ये रिवर इसका नाम है टिग्रस। अच्छा जी, मूसल शहर जो है ये आपने याद रखना है, हजरत यूनस अलै इस्लाम का इलाका है जी, इसका नाम जो है वो नैनवा, नैनवा आपने याद रखना है। जी आप याद रखिएगा कि मूसल जो है, मूसल का पुराना नाम जो है ना वो नैनवा है, नैनवा। तो नैनवा जो है यहाँ पे आपने याद रखना है कि यूनस अलै इस्लाम जो है वो, कि एक मिनट ना होल्ड की जगह, एक जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि अरारत माउंटेन से ये दो रिवर निकले थे, एक का नाम यूफ्रेट और दूसरे का नाम टिग्रस। टिग्रस को उर्दू में बोलते हैं दजला, इसको बोलते हैं फरात। आप याद रखिएगा कि मूसल जो है ना, मूसल यहाँ पे, ये नैनवा को पूछे ना हजरत यूनस अलैहि सलाम, आपको पता है मछली वाले नबी जो है ना, हजरत यूनस अलैहि सलाम, उनका ये इलाका है जी। यूनस, यूनस बिन मती है जी, हजरत यूनस अलैहि सलाम, जिन्हें जुन्नून बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ फिश। आप याद रखिएगा कि जुन्नून, लॉर्ड ऑफ फिश बोला जाता है जी हजरत यूनस अलैहि सलाम को। ये मूसल इराक, इराक बड़ा मशहूर शहर है जी, अपना कंट्री है, यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, आपको होता है ये कूफा के करीब ना एक शहर है उर में पैदा हुए थे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत सारा, हजरत लूत अलैहि सलाम, ये एक ही फैमिली के लोग हैं जी। आपको होता है हजरत सारा की शादी हुई थी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से, तो उनसे आगे बच्चे पैदा हुए थे हजरत इसहाक। तो हजरत इब्राहिम का इलाका भी जो है, मतलब है बेसिकली इराक है जी, उर में। हजरत यूनस अलैहि सलाम का आपको बताया, ये बगदाद है जी, सिटी ऑफ पीस, अमन का शहर, अरूस उल बलाद भी बोलते हैं इसको, इसको अरूस उल बलाद बोला जाता है। आप याद रखिएगा कि अरूस उल बलाद का मतलब क्या है, शहरों की दुल्हन है जी, शहरों की दुल्हन, अरूस उल बलाद। तो ये बगदाद है जी, यहाँ पे आपको पता है हजरत अब्दुल कादर जिलानी का मजार है, हजरत इमाम अबू हनीफा का मजार है जी, ये नजफ में आपने याद रखना है हजरत अली का मजार है, और करबला जो है यहाँ पे हजरत इमाम हुसैन है जी। लेकिन ये दोनों रिवर मिलते कहाँ पे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे मिलते हैं जी बसरा में। बसरा में आपको पता है हजरत आयशा सदीका
और हजरत अली के दरमियान क्या हुई थी जी, जंग हुई थी, जिसको क्या बोला जाता है जी, हजरत आयशा सदीका और हजरत अली के दरमियान जो जंग हुई थी कब हुई थी और इसको क्या बोला जाता है जी, कमेंट कीजिएगा जी, ताकि आपका भी पता चले कि नॉलेज जो है। हजरत आयशा सदीका और हजरत अली के दरमियान जंगे जमल हुई थी जी, और जंगे जमल कब हुई थी जी, ये जंगे जमल हुई है, बैटल ऑफ कैमल हुई है, लेकिन हुई कब थी जी, डेट आती है जी किसी को नॉलेज में है जी, और कोई दोस्त बताएगा क्यों हुई थी जी, जंगे जमल जो है ये क्यों हुई थी जी, ये भी कोई बताएगा जी दोस्त, हजरत आयशा सदीका और हजरत अली के दरमियान जंग क्यों हुई थी जी। जी हजरत उस्मान गनी के किसास पे मतलब है कि, क्योंकि हजरत आयशा सदीका जो वो चाहती थी कि जनाब मतलब है कि किसास से उस्मान लिया जाए, तो वो इशू बना था जी, ये 656 AD में हुई है जी। अब याद रखिएगा कि हजरत अली जो है वो मतलब है कि रूलर बनते हैं 656 AD में, तो ये आप याद रखिएगा 35 हिजरी है और 600 अपना 36 हिजरी, 36 बनती है, लेकिन स्टार्ट हजरत अली का जो है वो 35 हिजरी में हुआ था जी, तो 36 हिजरी और 656 AD है जी। बिल्कुल यहां से आप याद रखिएगा, रिवर जो आता है ना इसका नाम है शत्तुल अरब, शत्तुल अरब आपने याद रखना है जी, कि ये रिवर है जी शत्तुल अरब, जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर जो है वो माना जाता है जी। अब याद रखिएगा कि इराक जो है एक सेमी लैंड लॉक कंट्री है जी, इराक सेमी लैंड लॉक समझते हैं जी, कि ऐसा मुल्क जिसको 3% से भी थोड़ा लगे जी अपना अपना समंदर लगे, उसको बोलते हैं सेमी लैंड लॉक। तो अब याद रखिएगा कि इराक जो है वो क्या है जी, एक सेमी लैंड लॉक कंट्री है जी। ये बैटल ऑफ बसरा भी बोला जाता है, बैटल ऑफ कैमल भी बोला जाता है, जंगे जमल भी बोलते हैं जी। अच्छा जी, ये तो थी जी थोड़ी सी आपको मैंने इसको ज्योग्राफिकल हवाले से, एक और आपने चीज याद रखनी है कि एक पहाड़ी सिलसिला ईरान और इराक के बॉर्डर पे आता है, इसका नाम है जैग्रोस, जैग्रोस माउंटेन है, जैग्रोस माउंटेन जो है ये बिटवीन ईरान एंड इराक जो है ये किस जो ज्योग्राफिकल फीचर के हवाले से है जी, अब याद रखिएगा। फिर यही मुल्क है जी, आपने याद रखना है कि इराक के अंदर ना एक शहर आता है तक्रीत, इसके ना मशहूर शहरों में एक शहर का नाम आपने याद रखना है तक्रीत है जी, वहां पे कौन पैदा हुआ था, किसी को पता है जी तक्रीत में कौन पैदा हुआ जी, अब याद रखिएगा कि सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुआ था जी, अब याद रखिएगा कि सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो पैदा हुआ था 1138 में, अब पता है नजमुद्दीन अयूब का बेटा है जी सलाहुद्दीन अयूबी, नजमुद्दीन अयूब ये कुर्द नस्ल है जी, ये पैदा हुआ था जिसने 1187 में क्या कर लिया था जी, बैतुल मुकद्दस फतह किया था। आप याद रखिएगा कि बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला जो है ये मुजाहिद, ये भी इराक में पैदा हुआ था, तो सलाहुद्दीन अयूबी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें, इसका कैपिटल तो बगदाद है जी, और इसके मतलब है कि आप याद रखिएगा करंसी दिनार है, और यहां पे मतलब है आपने याद रखना है कि ये जो मुल्क है ना, जहाँ पे 75 to 80% अरब हैं जी, 15 से 20% लोग जो है ना वो कुर्द नस्ल के हैं, कुर्द नस्ल। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा जी के इसको अगर मिटा दें तो हिस्ट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3500 BC में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आई है जी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये बनी थी जी। फिर आपको पता होना चाहिए 539 BC में यहाँ पे ना ईरान ने कब्जा कर लिया था, पर्शियन अम्पायर जो है ना वो काबज हो गए थे, पर्शियंस आ गए थे। फिर
फिर 332 BC में यहाँ पे कौन सा हुक्मरान आया जी? अलेक्जेंडर। अब याद रखिएगा अलेक्जेंडर दी ग्रेट आया जी यहाँ पे, आपने याद रखना है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। फिर ये इलाका जो इराक है ना जी, ये हजरत अबू उबैदा अपना, सॉरी अबू उबैदा कह रहा हूँ, वो सीरिया किया था, ये हजरत साद बिन अबी वकास, साद बिन अबी वकास ने ये फतह किया हजरत उमर के दौर में। फातह ईरान उस वक्त, क्योंकि ये सारा ईरान ही था, ईरानी गवर्नमेंट थी, तो फातह ईरान जो है वो हजरत साद बिन अबी वकास को बोला जाता है। फिर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 1258 में मंगोल आ गए थे। मंगोलों ने क्या किया था जी? बगदाद फतह कर लिया, लाकू खान ने जो है वो बगदाद फतह किया जी। लेकिन आप याद रखिएगा 1534 से लेके 1918 तक यहाँ पे ओटोमान ओटोमान अम्पायर जो है ना वो रही थी। ये आप याद रखिएगा ओटोमान एम्पायर। तो अब याद रखिएगा कि ओटोमान एम्पायर के बाद ये इलाका जो है ये यूके के पास चला गया था जी, यूके इस पे काबज हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है ये इसका नाम जो है ना 1920 में इराक पड़ा है जी। अब याद रखिएगा इसका नाम जो इराक पड़ा है ना जी, ये 1920 में पड़ा है जी इराक। अब आप याद रखिएगा कि ये मुल्क जो है इराक, ये 1958 में जाके रिपब्लिक बना है। 1958 में ये रिपब्लिक बना, ये आजाद, आपने याद रखिएगा कि यूके से हुआ था जी ये, इनकी जो इंडिपेंडेंस है ना जी, इन्होंने किससे आजादी हासिल की थी? यूके से, 1932 में ना जी, 1932 में ये यूके से आजाद हुए थे। और 1958 में जो है ये 14 जुलाई को ये रिपब्लिक बने हैं जी। अब याद रखिएगा इनका पहला प्रेसिडेंट जो बना है ना जी, उसका आप कह सकते हैं कि एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, वेलकम भाई। भाई मैं ना अभी क्लास, भाई वो ही चल रहा है, क्लास हो रही है, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। अच्छा जी, आप ये देखिएगा जी के ये ममालिक जो है, यानी कि रिपब्लिक बन गया जी 1958 में, ये रिपब्लिक बना है जी। और अल बकर अल इराकी जो है ना, ये इनका मतलब है कि पहला प्रेसिडेंट बना है जी, बकर इराकी जो है, ठीक है ना जी, अल बकर अल इराकी जो है, ये आपने याद रखिएगा। और इससे ही फिर बाद में छीनी है गवर्नमेंट किसने जी? 1979 में सदाम हुसैन ने। तो अब याद रखिएगा कि सदाम हुसैन फिर बहुत अरसा यहाँ पे रूलर रहा है जी, उसमें काफी जंगें लड़ी, आपको पता होना चाहिए 1980 से 1988 तक उसने ईरान इराक वार लड़ी है जी। फिर 1990 में उसने कुवैत पे हमला कर दिया था जी, और 1991 में उसके खिलाफ फिर यूएस ने अटैक किया था। आपको पता है यूएस ने कौन सा अटैक किया था जी? किसी को पता है जी, जो 1991 में यूएस ने अटैक किया था इराक पे, उसका नाम क्या था जी? अब याद रखिएगा आपको, उस ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म, जिसके तहत आप याद रखिएगा कि ये मतलब है ना कि ये हो गया था अपना, क्या इसको बोलते हैं जी, कि इराक को फिर कुवैत का कब्जा छोड़ना पड़ा था। फिर आपको होता है कि 2003 में इराक के खिलाफ अमेरिका लड़ा था जी, और सदाम हुसैन की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। और आप याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 2006 ईद उल अजहा के पहले दिन 10 जुलहज्जा को सजाए मौत हुई थी। किसको जी? सदाम हुसैन को। तो अब याद रखिएगा कि सदाम हुसैन जो है उसको जो है कि यहाँ पे सजाए मौत हुई थी 2006 में।
अब याद रखिएगा कि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस आती है जी, उसका नाम है हैंगिंग गार्डन। क्या है जी हैंगिंग गार्डन जो है ना, ये कहाँ पे आता है जी? ये आपने याद रखिएगा, बेबलोन में आता है, इनका शहर है बेबलोन। बेबलोन में ये जो है मतलब है के आती है जी। तो अब याद रखिएगा हैंगिंग गार्डन जो है ये पेपलोन एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी। ये इसको बोलते हैं लटके हुए बागात। ये ना बख्त नसर एक हुआ है बादशाह ना जी, बख्त नसर, उसने अपनी महबूबा के लिए पहाड़ों के ऊपर ना पिलर बनवा के ना जी उसके ऊपर बेलें चढ़ाई थी जी। उसको बाग को बोलते हैं जी हैंगिंग गार्डन। दी हैंगिंग गार्डन जो है ये वंडरा वर्ल्ड में आता है। तो अभी ये है नहीं, लेकिन ओल्ड वंडरा वर्ल्ड में इसका नाम जो है वो आता है जी। अच्छा जी, ये जस्ट ना हिंट था जी, आपको एक कंट्री की ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है। आप अपना फीडबैक दें कि क्या इस तरीके से चीजें आपको याद हो सकती हैं या नहीं जी। या अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या समझ आई है कि ये पैटर्न ठीक है जी, इस पैटर्न से आप लोग जो है जीके को अच्छी तरह मतलब है कि कर सकते हैं या नहीं। जी वो इंशाल्लाह कवर जो है ना सिलेबस मेरे भाई A to Z, जब सिलेबस कवर होगा तो तभी आप जाएंगे ना जी। ये हर चीज इंशाल्लाह हर चीज होगी जी। ये जस्ट जनरल था, लेक्चर था ना, जब क्लास पढ़ाएंगे तो बिल्कुल स्लो और अकॉर्डिंग टू योर विशेस चलेंगे जी। जस्ट मतलब है ना कि ये तो एक आपको पैटर्न दिया है थोड़े से शॉर्ट टाइम में, क्योंकि जब रजिस्टर्ड क्लास होती है तो उसका और डेकोरम होता है। क्योंकि अभी आप सारे लोग जो है मतलब है कि इस अंदाज में थे ना कि हर बंदे को एक मैसेज उसके हिसाब से चलना है। स्क्रीन शॉट भी लिए जाएंगे, वो आप कहेंगे कि हमने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले साथ लेते जाएंगे, उसकी कोई मसला नहीं। इसकी PDF फॉर्म में भी नहीं मिलेगी, जस्ट ये राइटिंग ही मिलेगी। आप कहेंगे ना जितना स्लो कहेंगे उस तरह पढ़ाएंगे आपको, अकॉर्डिंग टू योर विशेस चलेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जस्ट आपको हिंट दिया है ना आपके सामने है कि यहाँ पे हर नेचर का बंदा है, हमने उसके हिसाब से लेके चलना था ना सेमिनार के अंदर, लेकिन जब क्लास होती है तो उसका एक अपना हिसाब किताब होता है। ओवरऑल जी पूरी दुनिया इंशाल्लाह जो है कि कोशिश होगी कि हर चीज जो है ना वो आपको करवाई जाए, कोशिश अपनी होगी कि कोई चीज रह ना जाए ना जी। बाकी तो और ये इसका फायदा ही होगा कि इंशाल्लाह हर पैटर्न में हर क्लास में ये कवर करेगा। ये 6 दिन क्लास हुआ करेगी जी, 6 दिन जो है ना वो क्लास जो है वो हुआ करेगी इंशाल्लाह। ये PMSO इवन CSS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है, जर्नल राइटिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक आम स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ता, तो इस वजह से अगर वो साथ पढ़ेगा तो उसको काफी फायदा होगा जी। इंशाल्लाह मेरे भाई पूरी डिटेल मैप A to Z, रिवर, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना जी, प्लैनेट्स, हर चीज करवाई जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। ये जस्ट अब एक डिफरेंट होती है जी। नहीं, डिफरेंट मेरे भाई आप याद रखिएगा कि आप इस अंदाज में है कि 3 सेशन होंगे अलग अलग, आप जो सेशन ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो आपको होता है सुबह 5 बजे किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं है, सुबह 5 बजे तो हर बंदा अवेलेबल है। तो बस अल्लाह खैर करे जी, बाकी आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा जिन दोस्तों को अच्छा लगे, क्योंकि हर ये जरूरी नहीं होता कि हर बंदे को अच्छा लगे, ठीक है ना जी।
आपको पता है कि आका इनामदार हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है उनसे बड़ा टीचर, उनसे बड़ा स्पीकर दुनिया में नहीं आया कोई। तो आप देखें कि उनका भी मतलब में कुछ लोगों का इख्तलाफ था, नहीं माना, कुछ ने मान लिया, कुछ ने दिल से माना, कुछ ने थोड़ा माना, मतलब ये अपनी अपनी चीजें होती हैं। तो मैं ये कि मेरा ये मानना है कि हर इंसान को हर नहीं लगता कि उसको मतलब है कि किस तरह करना है ना जी, लेकिन जिन दोस्तों को अच्छा लगे वो कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा जी, और मजीद इंशाल्लाह अपनी ये 2 से 2.5 माह का कोर्स होगा जी इंशाल्लाह, और उसमें कोशिश ये होगी कि जब तक ये पूरी तरह आपका हर पोर्शन अच्छी तरह ना हो जाए उस वक्त तक पढ़ाएंगे। यानी कि ड्यूरेशन की हम नहीं कोशिश करते कि ड्यूरेशन जल्दी जल्दी खत्म हो, हम चाहते हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, लेकिन एक दफे ही आपको पढ़ना पड़े, दोबारा आप किसी एकेडमी में ना जाए ना जी। समझ आ गई जी? जी 2 घंटे की ये क्लास हो करेगी डेली की जीके की, और इसके साथ 2 घंटे जो है ना वो पोर्शन वाइज आपका पहले इंग्लिश चलेगी, फिर मैथ चलेगी, फिर आपका कंप्यूटर और एविडेंस साइंस वो अलग से चलेगी। ईद के बाद आप चलेंगे तो हम उसको सेशन में ही आप इस अंदाज में पोर्शन वाइज डालेंगे ना, जो पोर्शन आपका रह जाएगा वो एंड पे हो जाएगा, जो पोर्शन आपका रहेगा ना वो एंड पे आपको करवाएगा जी। डेली जो है ना ये 4 घंटे की क्लास बनेगी, ठीक है ना जी, 2 घंटे जीके और 2 घंटे जो है ना वो दूसरा पोर्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा मटीरियल आपको करवाया भी जाए और टाइम भी जो है वो मतलब है कि खास लिमिट के अंदर वो कवर हो जाए। ठीक हो गया जी? चलें जी, अल्लाह खैर करे जी इंशाल्लाह। बाकी आप जो है कि वो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा जी, तो बाकी चीजें जो है वो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं।